दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या सुनील भी शामिल होने वाले हैं दबंग गैंग में? किसकी बलवान 2 में होगी ग्रैंड एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में इंडिविजुअल स्टार्स बहुत कम हैं। इस इंडस्ट्री में हर किसी का ग्रुप बन जाता है और फिर बस एक दूसरे के साथ डिनर, लंच, पार्टी करते हुए ये सब दिख जाते हैं। हर किसी की दोस्ती यारी हो जाती है और हर ग्रुप का एक करता धरता बन जाता है। इन ग्रुप्स में पावरफुल डायरेक्टर स्टार्स भी शामिल होते हैं, जैसे करण जौहर का अपना गैंग है जिसमें करीना, मलाइका, गौरी खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे स्टार्स हैं। वहीं जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सनाया कपूर जैसे स्टार्स दूसरे ग्रुप में हैं। ऐसे में बॉलीवुड के सल्लू भाई का भी अपना एक ग्रुप है। ये उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो समय समय पर वर्ल्ड वाइड एक दबंग टूर करते हैं। ये दबंग टूर बाहर रहने वाले इंडियंस के लिए होता है जो बॉलीवुड का मजा थिएटर्स में अच्छे से नहीं ले पाते। इसमें सलमान के खास दोस्त जैसे कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, मनीष पॉल, गुरु रंधावा जैसे स्टार्स मौजूद हैं। हाँ, इसमें कुछ और लोग भी हैं, लेकिन सभी के सभी सलमान के करीबी हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम आपको बलवान 2 की खबर दें, उससे पहले एक बैक स्टोरी जान लेते हैं। हाल ही में सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की मूवी तड़प की लॉन्च पार्टी में सलमान स्पेशल गेस्ट थे और आथिया शेट्टी को भी सलमान ने अपने होम प्रोडक्शन से लॉन्च किया था। हीरो मूवी में आथिया सूरज पंचोली के साथ लीड में दिखाई दिए थे, तो जाहिर सी बात है कि सुनील और सलमान काफी गहरे दोस्त हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। बलवान 2 से पहले सुनील शेट्टी सलमान के इस दबंग गैंग का पार्ट बनकर इस टूर का हिस्सा बनेंगे। वो इस टूर के जरिए ही अपनी मूवी बलवान 2 का प्रमोशन भी कर पाएंगे और सलमान की पॉपुलैरिटी की वजह से भी दर्शकों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये बलवान 2 का मेजर प्रमोशनल इवेंट होगा जिसके लिए सलमान उनसे कोई भी पैसा नहीं लेने वाले हैं। सुनील अपनी स्टेज प्रेजेंस से ही बलवान 2 का ऐलान करेंगे और इस टूर में 4 चांद लगा देंगे। ऐसे में वो अपने फेमस गाने जैसे छई छप्पा छई, तुम दिल की धड़कन में, दिल ने ये कहा है दिल से जैसे सॉन्ग्स पर स्टेज परफॉर्मेंस भी देंगे। ऐसे में इनकी दोस्ती का क्या राज है? आखिर क्यों सुनील की इतनी मदद करना चाह रहे हैं भाईजान? आइए जानते हैं। हाल ही में आईफा 2022 में जब रितेश देशमुख ने सलमान से एक मेमोरेबल इवेंट बताने को कहा, तब सलमान ने बताया कि उनके टफ टाइम में सुनील शेट्टी ने उनकी मदद की थी। जी हां दोस्तों, सलमान ने रिवील किया कि वो एक बार सुनील शेट्टी की क्लोथिंग शॉप में गए थे जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब सुनील ने उनकी मदद की थी उन्हें एक स्टोन वॉश शर्ट देकर। तब से सलमान कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपने क्लोज फ्रेंड की हेल्प करने में। बस इसीलिए बलवान 2 के प्रमोशन में भी मदद कर देंगे भाईजान, और इसीलिए सुनील की दबंग टूर में भी फ्री एंट्री होगी। इस गहरी दोस्ती का राज अब जब आपको पता चल ही गया है, तो कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी दोस्ती का फायदा उठाना सही बात है। अब जब इतनी दोस्ती निभाई है बॉलीवुड के टाइगर ने, तो वो सुनील की बलवान 2 में स्पेशल अपीयरेंस में भी दिखने वाले हैं। सुनील की माने तो वो 2-3 हफ्तों में एक बार तो बात कर ही लेते हैं सलमान से। अभी दोनों ने एक फिटनेस स्टार्टअप स्कोर्ट्स में इन्वेस्ट भी किया जिसके लॉन्च पर दोनों ही स्टार्स मौजूद थे। बस इसी वजह से बलवान 2 में सलमान एक बार फिर अपने दोस्त के लिए दिखेंगे स्पेशल अपीयरेंस में। ये रोल छोटा होगा लेकिन बलवान 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बस ऐसी ही दोस्तियों की वजह से बॉलीवुड में कमबैक्स होते रहते हैं और हम उनके फैक्ट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप हमारा ये कंटेंट पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।